हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। फिलहाल मैं अपनी शोनी को लेके अपने कुछ भाइयों के साथ आ जा रहा हूँ संडे राइड एंजॉय करने। ये भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा महीनों के बाद, ऑलमोस्ट एक साल बोल सकते हैं इस बात को कि भाई एक साल के बाद ही जा रहा हूँ मैं। और कहाँ जा रहा हूँ भाई साहब? मैं जा रहा हूँ ऑफ रोड ट्रेल पर। ये क्योंकि भाई देखो ऑफ रोड बाइक है, तो भाई शोनी में अभी क्या हुआ है, इंजन स्वैपिंग हुई है, और इंजन स्वैपिंग हुई है तो भाई थोड़ा फन तो बनता है। तो इसलिए हम जा रहे हैं ऑफ रोड ट्रेल करने आज। मतलब गुड़गांव में एंट्री करेंगे और सीधा दमदमा लेक निकलेंगे अंदर जंगलों में से होते हुए। और भाई मैं पहले एक आध साल पहले गया था मैं, तो मैं उस टाइम पे मैं नॉन स्टॉप मतलब दो संडे गया था, हाँ दो या तीन संडे गया था आई गेस, और उसके बाद नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया। मतलब एकदम से मान लो चौक हो गया मामला, ठीक है जी। बट आज जो है भाई काफ़ी टाइम के बाद जो है प्लान हुआ है, तो अपने साथ जा रहा है धीरज भाई जो मेरे साथ ऑली राइड पे गया था, ठीक है। साथ में जा रहा है पिंटू। पिंटू कह रहा भाई मैं बुलेट से ऑफ रोडिंग कर लूँगा। मैंने बोला चल, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये है अपनी शोनी, इंजन स्वैपिंग हो गई है, सारे काम ऑलमोस्ट हो गए हैं, बस काम थोड़े थोड़े चल रहे हैं इसके अंदर। अभी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, उसके अंदर मैंने इसका जो एग्जॉस्ट है वो प्रॉपर तरीके से बैठवा दिया था। मतलब जो इसका हेड है वहाँ से प्रॉपर तरीके से इसमें एग्जॉस्ट का जो पाइप अपन लेके आए थे वो इसमें वेल्डिंग करा दी, एकदम ओके। आवाज़ वाज़ कुछ भी नहीं आ रही, मतलब वहाँ से लीकेज जो थी आवाज़ की बोल सकते हैं वो अब नहीं रही है। अब सीधा यहाँ से एग्जॉस्ट जो है मतलब अपना प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है जी। एक तो वो अच्छा हो गया। अब इसके अंदर रह गया मेजर काम जो होना, वो है इसका क्लच असेंबली। मतलब क्लच का जो होता है ना प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट और आपका हब सेंटर, उसका जो कंप्लीट जो सेटअप होता है वो सारा कुछ जो है ना पूरी असेंबली वो अब इसमें इंस्टॉल होगी बहुत जल्द, और उसकी वीडियो बना दूंगा मैं। और बाकी इसके अंदर और कोई काम रहा नहीं है फिलहाल। अपनी बाइक जो है कुछ ऐसा लुक दे रही है, देखो फ्रंट से लग रही है ना एकदम किलर अग्रेसिव है ना, एकदम जहर। तो हमारा भाई दादा आ चुका है धीरज, क्या हाल है भाई के? बढ़िया भाई, 10 मिनट लगा दी तुमने आने में। चलो कोई नहीं, नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आगे बंदे वेट कर रहे हैं। हाँ आगे चलो, अभी क्या है, है बच गया भाई, बच गया। पता क्या हुआ, जो छोटे छोटे मच्छर नहीं होते भाई, जैसी वाइजर, मेरे वाइजर तो ओपन था, जैसी मैं चलाने लगा अभी पटाख से लगा, वो भी अच्छा हुआ आँख में सेंटर में लगा, बिल्कुल साइड पे लगा, स्किन पे लगा। सोचो अगर आँख पे लगता तो भाई साहब आज की राइड तो अभी स्पॉइल हो जाती। बड़ी जोर से लगा है, पता है, मतलब इतनी जोर से नहीं लगा लेकिन आँख पे लगता तो बहुत जोर से लगता। कौन है भाई पीछे से हॉर्न दे रहा है? इंटॉर्क वाला बंदा है कोई। गुड़गांव भाई रेस लगा रहा है। इंटरव्यू वाले ने पूरा कान खींच रखा था। पेट्रोल भी टॉप अप कराना है, इसमें एक पॉइंट दिखा रहा है। ये रहे हमारे दोनों भाई, क्या हाल है भाइयों के? बढ़िया। अबे सुबह उठने में दिक्कत तो नहीं हुई कोई? भाई साहब रात को नींद नहीं आई मेरे को, एक्साइटमेंट में। मैंने मैसेज भी दिया था ग्रुप में, देखा नींद ही नहीं आ रही, क्या करूं? मैं भी मुश्किल, मैं उससे कम सोया हूं मैं यार, पता नहीं क्या होता है, एक्साइटमेंट इतनी होती है कि जाए मन ही नहीं करता, नींद ही नहीं आती मतलब सोने का। चलो घर निकलते हैं फटाफट से। चलो भाई चलो दादा, चलो चलो चलो। क्या कह रहा भाई, वीली तो मिनट मिनट में वीली लग रही है। चक्कर क्या है, पावर बहुत खतरनाक हो गई है इसमें, जो इंजन डाला है ना वो है खतरनाक। अभी सोचो इसमें क्लच प्लेटें नहीं डली, जब इसके अंदर ओरिजिनल क्लच प्लेटें प्रेशर प्लेट के साथ जाएंगी ना, ऑसम यार। मतलब कि पिकअप ऐसा हो जाएगा कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, टॉप नोच जिसे बोलते ना वाला हो जाएगा मामला, एकदम जहर हो रखा है अभी भी, और बाद में तो हो ही जाएगा, नेक्स्ट लेवल पहुंचेगी कहानी। इससे मैं राइडें मारूंगा इंशाल्लाह आने के बाद। बहुत सारे भाई ने कमेंट करे, एक भाई ने तो कमेंट करा वो थोड़ा भावुक हो गया यार, मैं भी सुन के। वो अंदर बोल रहा भाई इसमें तुम पैसे लगाते रहते हो, मॉडिफाई करते रहते हो, लेकिन इसे राइड पे लेके नहीं जाते। भाई अब मैं राइड पे लेके जाऊंगा इसको, क्योंकि देखो मेरा प्लान था कि मैं इसको थोड़ा सा पावरफुल कर लूं। देखो करिश्मा का इंजन जब इसमें आता है ना, तो इससे इनिशियल तो बहुत अच्छा हो जाता है,
और टॉप एंड जितना अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है, टॉप एंड में इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला जहाँ तक मुझे लग रहा है। थोड़ा सा स्प्रॉकेटिंग में खेलना पड़ेगा मेरे को, तब जाके भागेगी ये, मतलब टॉप एंड में भी। बाकी अगर बात करें इनिशियल में, मतलब एकदम से 0 to 100 वाली बात करूँ, तो भाई रॉकेट है 0 to 100 वाली। ट्रस्ट मी गाइज, नॉर्मल इम्पल्स के आगे ये रॉकेट है, ठीक है ना पिंटो? पिंटू बोल रहा भाई धीरे चलाओ, हल्के हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। अबे मजा तो वहां ऑफ रोड पे आएगा जब रेत में गाड़ी चलेगी ना, नागिन डांस करेगी, नागिन डांस। नहीं नहीं निकल जाएगी। जग्गू तू आगे खड़ो के वीडियो बनाइए, देखिए लहरेगी गाड़ी। बस ये है कि वहां पे रेता मिलना चाहिए, हटाना दो, एक साल पहले तो था भाई। तो भाई ये रोड है GFR रोड जिसे बोलते हैं, गुड़गांव फरीदाबाद रोड, ठीक है जी। और ये रोड ऐसा है कि यहाँ से टोल तक पूरा एक स्ट्रेच में आप बाइक लेके जा सकते हो, बट उससे पहले हमें ना लेफ्ट मुड़ना है। यहाँ पर जो है ये जो जंगल देख रहे हो, इसमें ट्रेल आता है बहुत ही तगड़े वाला, और जो हमें लेके जाएगा सीधा दमदमा लेक। अब एक साल के बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, मुझे भी ढंग से अंदर का रूट नहीं पता, मतलब एक दो बोर्ड मुझे याद थे जहाँ से हम टर्न वन होते थे, बट अभी क्या है कि स्टिल मुझे याद नहीं है। बट अंदर जाऊँगा तो शायद से होता ना मेमोरी दोबारा ताजी हो जाए, तो वैसा कुछ। अभी फिलहाल लेफ्ट टर्न आएगा, दिखाता हूँ आपको कहाँ से ट्रेल स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टे ट्यून्ड गाइस। तो दोस्तों ये है कूड़ा खत्ता, और ये कूड़े खत्ते से ही रास्ता अंदर जा रहा है ऑफ रोड ट्रेल के लिए, जो जाएगा हमें लेकर दमदमा लेक। यहाँ से अंदर अंदर पिंटू पिंटू की नाक सड़ गई। हैं देखो दोस्तों, मोर जंगल में मोर नाचा हमने देखा, वो देखो मोर 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 पिंटू, एक बार दुआ सकल नहीं, सकल नहीं बदबू सकल। भाई यही एडवेंचर है, अभी थोड़ा सा ही हद तक जहाँ तक कूड़ा है, उसके बाद तो मस्त है। चलो रेडी। तो दोस्तों देख रहे हो आप कैसा उड़ाता हुआ ले जा रहा हूँ, पीछे धूल धूल कर दी होगी मैंने, पक्का बता रहा हूँ धूल धूल है। पता है आगे चलने का ये बेनिफिट है। बस यहाँ पे ये है कि आप बैठ के मत चलो, जितना हो सके खड़ोगे चलो, खड़ोगे चलोगे फायदे में रहोगे। तो भाई ये कट है वहाँ पे जाने के लिए, याद आ रहा है मुझे, मैं कह रहा हूँ ना थोड़ा थोड़ा मैं जाऊँगा ना तो याद आता रहेगा। क्या बात है दादा, आप भगाए ना अच्छा कर रहा है, कम से कम एक बंदा तो भगाए। आपको मजा आ रहा है ना दोस्तों, बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, फिर दोबारा आऊंगा वरना। वो पता है यहाँ पे इतना रेत होता है जो आपको विजिबल ढंग से नहीं हो रहा होगा, अगर आप 1080p की क्वालिटी पे देखोगे ना तो आपको समझ में आएगी कि कैसा रोड है, कैसा पैच है जहाँ पे हम बाइक चला रहे हैं। फुल्ली ऑफ रोड है, ठीक है जी, और बहुत ही खतरनाक है भाई। ओए होए होए, वो देख क्या छलांग मारी दादा की गाड़ी ने। वो मैं पीछे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को उनको भी कवर करना है ना, मतलब अगर मैं ही चलता रहूँगा आगे आगे तो आपको सिर्फ रोड ही रोड दिखेगा, एटलीस्ट सामने कोई दिखना चाहिए ना, तभी तो मज़ा बनेगा। ओ भाई साहब, पिंटू से पूछता हूँ भाई, हाउस दी जोश है ना भाई, कहीं लो तो नहीं हो गया, ये हाई है अभी भी। पिंटू हाउस दी जोश, चल रही है कोनिया, ये जो पेड़ है ना पेड़, वो कोनिया छिल रही है तो।
सारा जोश निकल गया। अबे कम से कम फुल बाजू तो पहना था। चॉपिंग चालू है रे, चॉपिंग। क्या बात है भाई, क्या बात है। देख रहे हो कैसे पत्थर बिछे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने डिजाइन कर रखा है ऑफ रोड ट्रेल के लिए। नहीं बस मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो जो आगे आगे रेत आएगा ना, अगर दोस्तों रेत मिल गया तो वहां पे इन दोनों का नागिन डांस दिखाऊंगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा उसमें। चलो 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 चलो, बुलेट से ऑफ रोडिंग नहीं हो सकती पता है क्यों, क्योंकि तो भारी है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है इस वजह से, वरना तो बुलेट भी कर ले, हिमालयन कर लेती है, लेकिन ये बुलेट नहीं कर सकती वाली क्लासिक। ओ भाई साहब, मैंने कहा थोड़ा सा स्ट्रेच लिया जाए। वो क्या बात है दानिश, लव यू खुशी, लव यू बूम बूम। अरे खुशी बोल रहा हूँ, सोनी या खुशी हो या सोनी हो, बात तो एक ही है, दोनों ही अपनी जान है। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो, बोल रहे और साइड हो, और साइड हो। हाँ ठीक है ठीक है, सही कह रहा हूँ। ये कितनी है ऑफ रोडिंग और? अभी तो है 10-12 किलोमीटर, क्यों क्या हुआ? अरे मतलब पहुंच ही नहीं रहे हम। जंगल नाम रहे जंगल। और एक कोनिया मैंने, ठीक है सलामत है भाई? ये देखो ये, ओ भाई स्क्रैच लग गए तेरे, लगी एक जगू जगू तो कर लेता हुई माँ। चलो बस थोड़ा ही रह गया अभी ना, हम क्या करेंगे, हम ऊपर चढ़ना है फिर नीचे उतरेंगे, जब नीचे उतरेंगे तो सैंड आ जाएगा, सैंड के बाद समझ लो फिर लेक आ जाएगी, ठीक है? तो चलो ना ना, अभी तो है भाई थोड़ा सा लंबा है अभी यार, फिर वही यहाँ से निकाल ले, यहाँ से सुनो तू यहाँ से निकाल ले, जगमन तू उतर जा यहाँ से, ले जा यहाँ से जगमन, वीडियो ना दे मेरे फोन से ले, हम दोनों क्यों, यू अपना फोन रख दे, निकालेंगे ना कैसे कैसे करके। हाँ बस चलो, तो भाई यहाँ पे है गड्ढा और हम उतारेंगे भाई, यही तो चेक होगी स्टेमिना, फुल गड्ढा है, उबड़ खाबड़ फुल एंड्यूरेंस वाला मामला है। ओ बेटे क्या बात है, दादा उतार दी हमारी बारी भाई, मेरी फटी और गए। लैंडिंग पत्थर पे कर दी मैंने, मैंने लैंडिंग पत्थर पे कर दी। ऐसे निकालूंगा एकदम फुर, नहीं बाद में देखो पत्थर है गड्ढे ऐसे हैं। अरे भाई पता लटक गए, अरे मेरी लैंडिंग भी ना गाड़ी पत्थर पे ही। ऐसा लग रहा है पेट्रोल ज्यादा खा रही है, तीन डंडे से एक डंडे पे आके अटक गया भाई, ऑफ रोडिंग है भाई, अब तो तुम्हारे से हैवी इंजन मेरा लगा हुआ है, 200 से 225 हो गया ना। हाँ जी, ये 150 सीसी का इंजन नहीं है इसमें, करिश्मा है। और अभी तो इसमें क्लच असेंबली डलवाने वाला हूँ और पागल हो जाएगी गाड़ी, सब पावर सब कुछ चेंज, मैंने सब चेंज कर दिया है। हाँ जी, जब इसे काम हम कंप्लीट होगा फिर चला के देखना एक बारी। चलो आओ, माशाल्लाह से क्या बात है, ओ भाई।
ओए 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 तेरी ओए दानेश, अरे भाई मैं गिरते गिरते बचा। ओ भाई पता क्या हुआ? अच्छा अबे नहीं बे, मैं बैठ जा बैठ जा सुन भाई, पता पत्थर आ रहा है इतना बड़ा टार के सामने। बैठ जा भाई, जिस तो बैठ पाए बैठ जा वहां पे। अबे यार मैंने देखा तू स्पीड में, मैं भी स्पीड ले लिया। चलो ये बड़ा गंदा मारा था। ये टाइम आ रहा है ओवरटेक करने का, क्योंकि काफ़ी देर से मैं इनके पीछे चल रहा हूँ, जो कि मुझे कहीं ना कहीं मज़ा नहीं आ रहा। वैसे थोड़ा सा मेरे भाई को बता दीजिए कि इंसान जो है, क्योंकि इनके चक्कर में ना हम भी वहाँ नहीं पा रहे। हमारे यहाँ पसंद करना यहाँ से लेना हमें लेना वाले कोई मार्टिन का बस पटना हुआ था। तो आप दिख रही जन्नत, अभी मैं आपको ऐसे पॉइंट दिखाऊंगा, ऐसा व्यू पॉइंट आएगा जबरदस्त वाला, जो हम पहाड़ों में जाकर ढूंढते हैं ना, वो हमारे दिल्ली NCR में मिल जाता है हमारे को। देखो ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं, हम थोड़ी सी क्लाइंबिंग करेंगे और इधर का नज़ारा देना सामने का एकदम दिखेगा अल्टीमेट वाला। और अगर सैंड हुआ आगे तो एडवेंचर चालू। देखो फिलहाल नज़ारा, देखो नज़ारा कितना बढ़िया नज़ारा है यार, अल्टीमेट लेवल का नज़ारा है। पिंटो एक नंबर व्यू है, फोटो क्लिक होंगे फोटो। ओए होए होए भाई ये है व्यू पॉइंट, देख सकते हैं आप अल्टीमेट व्यू भाई, अल्टीमेट वो देख सकते हैं आप पूरा नज़ारा। देखो यार ये देख रहे हो, अल्टीमेट व्यू है भाई, अल्टीमेट व्यू। पर ना एक एक आध दो फोटो लिए, एक रील बनाई है बस, वो इंस्टाग्राम पे डाल दिया है मैंने। फटाफट जाओ मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, और रील को लाइक कर देना, फोटो को भी लाइक करना। फिलहाल मैंने अपना कैमरा यहाँ माउंट किया है, अभी देखना ये है कि ये एंगल पे इस वाले माउंट से अपना जो कैमरा है क्या फुटेज निकालता है, ठीक है, क्या एंगल लेता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, चलो तो बन गया, लेकिन आगे फिर भी कच्ची सड़क देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत अपने को, ठीक है, जैसे कि ये दिख रही है आपको। लेकिन ये पहले ना रेत होती थी, मतलब फुल मट्टी 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 मट्टी, और लेकिन अब जो है वो वैसी बात दिख नहीं रही है मुझे। और बाकी ये वाली फुटेज जो आप देख रहे हो उस टाइम पे, मुझे पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही है कैसी नहीं, और ये एंगल पता नहीं कैसे शूट कर रहा होगा हमारा जो 360 है, क्योंकि ये जो जगह है ना इसकी छोटा माउंट है, इस वजह से शायद एंगल अजीब ही हो। बस मैं तो ट्राई कर रहा हूँ कि भाई कैसा एंगल प्रोवाइड कर रहा है अपने को ये, अगर सही हुआ तो यूज़ करा करेंगे, नहीं तो फिर ये जिस लिए मैंने यहाँ पे जो बोल्ट माउंट कराया है वो उसका पर्पस जो मुझे पता ही क्या है। यहाँ ना पहले रेत हुआ करता था, अभी तो पक्की सड़क सी हो गई है। ओए तो यार ये सारा मज़ा ख़राब हो गया, रास्ता पक्का होने के बाद ना सारा ही मज़ा ख़राब हो गया यहाँ पे।
ये पूरा रेत से भरा होता था भाई साहब, पूरा रेत से। ये सब कुछ भी नहीं था, जाले वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये सब कुछ भी नहीं था। मतलब काश थोड़ा सा रेत मिल जाए, मजा आ जाए यार भाई। थोड़ी तो मिट्टी मिलनी चाहिए, थोड़ी भी मिट्टी नहीं है उसमें। आता मजा, नागिन डांस होती गाड़ी शुर शुर। रुक जाता हूँ इन लोगों के लिए। तो दोस्तों सिर्फ आपके लिए, सिर्फ हाँ जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपके लिए पेश है दमदमा लेक, जो कि पूरी गई है सूख। हेलो अतुल भैया। हेलो भाई, क्या चला के गए भैया उड़ाते हुए डीजे भैया, आप तो ऑसम यार। हाँ नहीं नहीं, रैप चेंज करता रहता हूँ ना मैं। मैं तो आप दोनों को पहचान लिया था, रेड थी ना पिछली बार। हाँ उससे पहले रेड थी, फिर ब्लैक कर ही देना, येलो कर दिया। मैं सोच रहा हूँ उसे ब्लू करने के लिए, जो ये वाला है ना, ये वाला पैटर्न सोच रहा हूँ ये करा के सेम यही ग्राफिक करा दूंगा इसमें। अभी करिश्मा का इंजन इंस्टॉल कराया मैंने। हाँ हम लोग ऐसे आज फर्स्ट, बहुत टाइम बाद, पूरा साल भर बाद आया मैं तो। चलो एक राउंड लेके आता हूँ। तो दोस्तों मैं एक साल बाद पूरा आया हूँ। अबे यार ये तो देख रहे हो भाई, ये बंदे पी पी के जाते हैं यहाँ पे, कांड करके जाते हैं। फिलहाल भाई मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ना मैं एक साल पहले आया था तो पूरा पानी होता था, अभी पानी नहीं है यहाँ पे। और इस जगह पे तो आशू की बाइक कूद गई थी भाई साहब, मतलब साथ में बंदा आया था और उसकी बाइक घुस गई थी पानी के अंदर ही भाई साहब, अल्टीमेट नज़ारा था वो। थक गया भाई, थक गया। दो शॉट लिए, पता नहीं ये वाला शॉट कैसा है, कैसा नहीं मुझे नहीं पता, बट जो भी है थक गया मैं भाई। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं दमदमा लेक, देख सकते हैं अपनी शोनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है माशाल्लाह से। मतलब एक तरह से यहाँ पर आने का ये भी था कि थोड़ा संडे राइड भी इंजॉय करनी थी और बाइक को टेस्ट भी करना था कि हाँ भाई बाइक कैसी चल रही, कैसी चल रही। फिलहाल बाइक ने परफॉर्म किया टॉप नॉच, मज़ा आ गया देखकर और फील करके चलाकर। और बाकी जो फन था ना यहाँ पे लास्ट में, जो होता ना कि सोने पे सुहागा, वो सोने पे सुहागा खत्म हो गया इस ट्रेल पे। मतलब यहाँ पे जब आए आते थे पहले तो मतलब बहुत सारा रेत मिलता था, बट अब रेत नहीं मिला तो यार थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर डिसअपॉइंट हुआ। बाकी पूरा रास्ता ऑसम था। और लेक तो यार पता नहीं क्यों दिन पे दिन सूखती जा रही है, सही बता। अपने दोस्त यार उधर दिख सकते हैं, फोटो वोटो क्लिक कराने लग गए, ठीक है जी, गाय भैंसों के साथ बाइक का फोटो क्लिक आ रहे हैं। अपनी शोनी को कितनी खतरनाक लुक दे रही है यार। और वहाँ पे जो है अपने कुछ पुराने जो है भैया वगैरह दिए थे, वो देखो वो उधर है। और बाकी इधर का नज़ारा देखो आप यार, तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे फोटोज़ क्लिक करे, जो बेस्ट फोटो होंगे वो भाई इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, आईडी आ रही है अपनी स्क्रीन पे, देख सकते हैं आप। और जाकर मुझे फॉलो कर लो ताकि अच्छी अच्छी रील्स, अच्छे अच्छे फोटोज़ आपको देखने को मिले, ठीक है जी। और यहाँ तक वीडियो देख ली, इसके लिए थैंक यू सो मच, वीडियो ज़रूर लाइक करना। अब करते हैं वीडियो क्लोज, बिकॉज अब जाने का टाइम है घर का, ठीक है जी। तो घर निकलते हैं, बाकी अपडेट अगली वीडियो में। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.